और इस वक्त आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर अपनी बात रख रहे हैं, सुनते हैं जरा उन्हें। क्योंकि मुद्दा तो कुछ है नहीं, तो बदनामी के सहारे ही इनकी राजनीति चलती है। तो बदनामी के 7 केसेस है जो मेरी जानकारी है, तो जो 7 केसेस है वो 7 केसेस में अगर 100 करोड़ खर्चा होंगे वकील पर, तो क्या 100 करोड़ जनता भरेगी? ये बिल्कुल गलत है। जो भी केस का खर्चा होगा वो इंडिविजुअल भरना पड़ेगा। इट्स इंडिविजुअल क्राइम कमिटेड एज अलेज्ड। फैसला तो कोर्ट देगी, लेकिन पैसा तो आपको भरना पड़ेगा। खर्चा जनता के पैसे पर डाका डालने का ये आपके सरकार जो कर रही है वो जनता पर डाका है, और वो बिल्कुल किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। जब डेंगू आया, तब डेंगू के समय में इनको लोगों को जो इलाज करना था उसके लिए पैसे नहीं थे। दिल्ली में ढेर कचरा जमा होता है, सफाई कर्मचारियों को देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, और वकील को करोड़ों रुपए देने के आदेश देते हैं। पहले तो डिनाई कर रहे थे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन जब कागज सामने आया, मनीष सिसोदिया जी का सिग्नेचर सामने आया, तो साफ हो गया कि पहले मनीष जी ने आदेश दिया कि एलजी को भेजो भी मत, ऐसे ही दे दो। और फिर गोपाल राय के मंत्रालय में गया तो उन्होंने भी हस्ताक्षर करके पैसे देने की वकालत की। अब चोरी पकड़ने पर बहाना बना रहे कि ये सीएम पर केस थी। सीएम पर केस नहीं है, सीएम आपका पद है, तो कोई भी चिट्ठी लिखेगा तो पद का उल्लेख करता है, वो पद पर सरकार पर केस नहीं है। रोज सरकार पर केस जब होती है तो सरकार डिफेंड करती है, इंडिविजुअल केस है तो इंडिविजुअल को ही डिफेंड करना पड़ता है। और ये शुरू हुए थे जब सरकार में आए थे, आने वाले थे, तो चुनाव में तो बता रहे थे कि न गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे, ऐसा जीवन जिएंगे कि लोग देखते रहेंगे। अब देख रहे हैं कि आप तो लूट रहे हो जनता के पैसे पर, अपने प्राइवेट मुकदमे का, वकील का फीस का बोझ डाल के आप जनता को लूट रहे हो, और ये लूट कतई मंजूर नहीं है। सी, दिस इज अ केस ऑफ प्राइवेट क्रिमिनल एंड सिविल केस ऑफ डिफेमेशन। Everybody has to defend himself, and therefore when Arun Jaitley ji filed this petition, he paid the requisite stamp duty from his own pocket by cheque, and he is paying for the lawyers which are ye hai ABP News, aapko rakhe aage।